फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और मेरी हालत देख रहे हो। एक्चुअली ना बहुत दिन से मैंने आप लोग के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं किया था, तो सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग आज आप लोग के साथ शेयर करती हूं। मेरा घर मैं शेयर करने वाली हूं। वैसे बहुत फैला हुआ है, कोई भी तैयारी नहीं है। बस ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाना चाह रही हूँ तो उससे पहले मैंने कुछ सोचा है कि हाँ ये क्लीन कर लो, ये दिखाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं पूरा घर बिखरा हुआ है, बस नॉर्मली जो सफाई है मैंने वही कंप्लीट की है। ये दरवाज़ा मैंने क्लोज़ कर रखा है क्योंकि मेरे पास दो छोटे से प्यारे से बच्चे भी हैं जो रूम में घुस जाते हैं, उनको बाहर रखना होता है। एक घुस गया, एक बाहर है। कौन है उनसे भी आपको मिलवाती हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करती हूँ। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत मंदिर से होती है, तो ये है हमारे घर का मंदिर जिसे मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। तो मैंने सोचा वीडियो शॉर्ट ही बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो आप भी देखोगे तो बोर हो जाओगे। मुझे पता है मैं बोर कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा मंदिर। मंदिर के सामने एक छोटा सा बरामदा है जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि एक्चुअली बात मेरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो सामान वगैरह मेरा स्टूडियो वगैरह भी आप देख सकते हो यही ऐसा रखा हुआ है। एंड यहाँ पे कपड़े भी सूख रहे हैं क्योंकि बारिश का सीज़न है, बाहर बारिश हो रही है, तो कपड़े का स्टैंड भी इसी बरामदे में रखा हुआ है। मेरा दिन का ज़्यादातर टाइम मेरा इसी बरामदे में ही बीतता है, यही बरामदे में मैं सारा काम करती हूँ। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह तो कर लिया, बट बरामदा है वो पूरा बिखरा हुआ है। अब मैं आपको अपने घर के छोटे मेहमान से मिलाना चाहती हूँ। हाय डोलू, ये है मेरा डोलू बेबी। एंड मोलू जो है वो यहाँ पे नहीं, वो बेड के नीचे घुस गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको उससे भी दिखाती हूँ। एक्चुअली बात ये है कि इनका घर ये सामने रखा हुआ है और ये एक कैरेट के ऊपर रखा गया है क्योंकि जो भी सुसु पॉटी करते हैं ना इसी कैरेट के अंदर गिर जाता है और पूरा घर गंदा नहीं होता। मैं हर एक घंटे में इनको बंद करती हूँ, बाकी टाइम ये खुले रहते हैं। हर एक घंटे में थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनको बंद कर देती हूँ। एंड चलिए मैं आपको अपने दूसरे रैबिट से मिला देती हूँ। तो ये है, हाय मोलू। तो ये है हमारा मोलू है जो मौका पाके कमरे के अंदर घुस गया है। मैंने कमरे से बाहर रखती हूँ क्योंकि ये अब मेरे बेड के ऊपर भी चढ़ना सीख गए हैं। और आपको बता दें इन्होंने काट पुट के मेरा बहुत नुकसान किया है, मेरा माइक काटा है, मेरा हेडफोन काटा है और कई तार भी काट चुके हैं। तो बेड के ऊपर इन्हें रखने का मतलब ये है कि बहुत नुकसान करेंगे, तो ये ज़्यादातर खुले रहते हैं, बट मैं रूम आने से मना कर देती हूँ, बट मौका पड़ते ही घुस जाते हैं। अब मैं आपको अपनी किचन दिखा दूँ जो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। एक्चुअली मेरी मेड जो है वो काम छोड़ के जा चुकी है, अभी उसको 1 मंथ हो चुके हैं, तो मैं ही सारा काम करती हूँ। तो सारे बर्तन लगे हुए हैं। एक्चुअली अभी तक खाना नहीं बना है क्योंकि मेरे पति जी आज उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, तो जो नाश्ते में मैंने डोसा बनाया था उनके लिए, तो खाने में भी वही खाने वाले हैं। ठीक है, तो नाश्ता बनना ही नहीं है और इसी चक्कर में सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो अभी मुझे किचन का भी सारा काम समेटना है। और यहाँ गेट है जहाँ से हम लोग घर के बाहर जाने वाले हैं। जी हाँ, घर के बाहर जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको पुराना सा घर दिखेगा। एक्चुअली ये हमारे परिवार का पुराना घर है जो अभी यहाँ पे कई लोग रहते थे, बट अब उनका नया घर बन गया और ये जस्ट मेरा सामने है, बाकी सब चाची लोगों का है। तो लेकिन अभी मैं आंगन यूज कर रही हूँ, यहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रखी है, पुरानी वॉशिंग मशीन है, ये नई वॉशिंग मशीन है। एंड मैंने थोड़ी सी प्लांटिंग की है, पर मेरे प्लांट सूख गए हैं। अभी मैंने घर के बाहर भी प्लांटिंग की है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये एक बाहर का रूम है, आप इसे गेस्ट रूम बोल सकते हो, ड्राइंग रूम बोल सकते हो, यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह भी खाते हैं। तो ये जो रूम है बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो अभी मुझे यहाँ की भी सफाई करनी है। एंड ये हमारा मेन गेट है, बाहर आप देख सकते हैं मैंने प्लांटिंग की हुई है। बाहर से भी मैं आपको व्यू बाद में दिखा देती हूँ। बेडरूम की शुरुआत इस सामान फैलने से आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा बेड है जिसपे सामान लदा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सामने एक अलमारी है जो उल्टी सीधी है, आप भी देख सकते हो। और ये अलमारी है जिसकी हालत तो बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे कि मैं इन सबको ठीक कर पाऊँ। घर का काम खत्म करती हूँ फिर वीडियो बनाती हूँ, उसी में मेरा सारा दिन बीत जाता है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी कमरे से, तो चलो इस कमरे को ठीक करते हैं।
फटाफट मैं पूरा अपना घर समेट लेती हूँ, अपने रूम को समेटती हूँ और जो भी घर में सामान फैला है उन सबको समेटती हूँ। और आपको बता दूँ आज के वीडियो में मैं आपको अपने पति देव से भी मिलाने वाली हूँ, तो वो थोड़ी देर में आएंगे खाना खाने, तो उसी टाइम मैं आपको उनसे मिला दूँगी। एंड तो जो मैं वीडियो शूट करती हूँ उस वीडियो की क्लिप भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और साथ ही ढोलू मोलू के बारे में थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है आगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है आपको, मेरे पतिदेव से मिलकर बहुत मज़ा आएगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। इधर जाएगा संग, पतिदेव दो तीन दिन से बचाए नहीं है, ट्राई करूँ, बहुत फनी होने वाला है, सच बता रहे बहुत फनी होने वाला है, क्योंकि मुझे संग बजाना नहीं आता है पर कभी कभी बज भी जाता है, तो चलो संग ट्राई करते हैं। ओके, जय श्री राम, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, डर लग रहा है यार, डर लग रहा है मुझे, पर ट्राई करती हूँ। ओके, बच गया, थोड़ा सा बचा, आपको बहुत मिल जाएंगे। ये भी जो मक्खन चोर रखे ना, ये भी गुल्लक ही है हमारा। ठीक है, और मंदिर की अलमारी बंद करते हैं। ठीक है, तो अब कहाँ से हो गया, तो अब क्या बाकी था यहाँ पर, ये तो इधर जाएगा। अब मैं आपको मैजिक दिखाने वाली हूँ, 10 सेकंड के अंदर मेरा पूरा घर साफ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 डन, हो गया साफ। तो सफाई तो हो गई, अब पति देव जी को खाना भी खिलाते हैं। तो मुझे डोसा मटेरियल, एक्चुअली बात मैंने कल बनाया था तो मटेरियल बहुत कम था और मैं चिल्ला खाना बहुत पसंद है, तो मैं उनको बेसन का चिल्ला भी सर्व करने वाली हूँ। तो मैं जल्दी से घोल बना लेती हूँ और आप ये मेरे प्यार चेहरे पे प्यारी से स्माइल देख रहे हैं ना, आ गए हमारे पति देव घर, तो चलिए मैं उनसे मिला देती हूँ आपको। जी है हमारे पति देव, ये जो आए हैं वो कह रहे खाना नहीं खाएंगे, और हम आप देख रहे हो ना, हम इनके लिए कल यार हम आपसे कितने आधे हैं, हम आपसे कितने आधे हैं, अब ठीक है हम दोनों। आज पता है क्या हो रहा है, आज ब्लॉग वीडियो बन रहा है। हाँ जी, आज हमारे घर का ब्लॉग वीडियो बन रहा है और शादी के बाद ये हमारा पहला ब्लॉग वीडियो है। हाँ जी, इसमें हम अपना घर दिखा रहे हैं, दिखा दिया पूरा बिखरा बिखरा, उसके बाद थोड़ा सही भी किया। ठीक है, और क्या दिखाया है ना, बहुत अच्छी चीज दिखाई है, उसके लिए तुम्हें मेरा ब्लॉग वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, वेट करो, ये ब्लॉग वीडियो आएगा और तुम्हें वीडियो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। है कुछ ऐसा, ओके।
तो टन टनान खाने की थाली भी लग चुकी है। इसमें है सांभर चटनी, मसाला आलू चिल्ला एंड डोसा। और यहाँ पे मेरे डोलू मोलू भी बहुत तेज भूखे हो गए। जब भी मैं पापा की थाली लगाती हूँ ना, इनको कैसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है और उसी टाइम मुझे खाना मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो फटाफट मैं इनको खाना दे देती हूँ। तो मैं इनको दे रही हूँ खीरा, क्योंकि अभी इनके खीरे खाने का टाइम है। एक्चुअली मैं दिन में मैंने बांट रखा है कि ऐसा इनको क्या किस समय क्या क्या देना है। तो अभी मैं उनको खीरा काट के दे रही हूँ और इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और जल्दबाजी में मेरे हाथ में लग भी गई है, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो सबसे पहले ना पानी इस पर डालूँगी मैं थोड़ा सा, और उसके बाद मैं ये आप सरसों का तेल ले रही हूँ, उसमें उंगली की डिप करूँगी। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, इससे आपकी ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाती है। वैसे मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई थी, और तुरंत अगर आपको ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा है आप तुरंत सरसों का तेल लगा दीजिए, जिससे जो घाव है जल्दी भी भरता है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो घाव को बहुत जल्दी भरता है एंड ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है। तो आप ये नुस्खा ट्राई कर सकते हो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो। अब मैं भी खाना खाऊंगी और हमारे डोलू मोलू ने खाना खा लिया है, और उसके बाद किचन बंद करके मैं तैयारी करूंगी अपने वीडियो की। तो मेरे वीडियो की तैयारी हो गई है। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक मेकअप लुक, हरियाली तीज स्पेशल मेकअप लुक। तो मैंने सारा सामान यहाँ पे निकाल लिया, अपनी साड़ी, अपने गहने, अपनी चूड़ियाँ और अपनी ज्वेलरी भी निकाल ली। तो मैं ये गोल्ड ज्वेलरी आज पहनने वाली हूँ आज के वीडियो में, और साथ ही मैं एक छोटा सा नेकलेस भी ट्राई करूँगी, दोनों नेकलेस ट्राई करने वाली हूँ। और तो तैयारी पूरी हो गई है, सारा सामान निकाल के मैंने पहले रख लेती हूँ वरना बाद में दिक्कत होती है। तो चलो वीडियो शूट करते हैं। तो सारे दिन के बाद मैं बैठ गई हूँ अपना काम करने, यानी YouTube का वीडियो बनाने। मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इसमें जो बातें कर रही हूँ वो वीडियो से रिलेटिव बातें कर रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ और मेरा बोलने का तरीका अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और यहाँ पे मैं अपने वीडियो को शूट कर रही हूँ। ये जो वीडियो है हरियाली दीज स्पेशल मेकअप लुक, ये आएगा मेरे दूसरे चैनल ग्लैम श्रुति पर, और जिसकी लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ही अच्छा जो है वो वीडियो मैंने शूट किया है, सच्ची बता रही हूँ, खुद की तारीफ कर रही हूँ। एंड फाइनल लुक तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाई दूंगी अभी, लेकिन वीडियो मैंने क्योंकि मुझे ये वीडियो शूट करने में लगभग 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं घर में साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैंने स्पेशली साड़ी पहनी और गर्मी बहुत भयंकर थी, लेकिन मैंने किसी तरह से ये वीडियो शूट कर लिया। आपको बता दूँ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, लगभग 1 मंथ पहले मुझे रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पर, तो लेकिन मैंने उनसे बोला कि मैं अभी वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी इस बीच, तो मैंने वीडियो उस टाइम मैंने शूट नहीं किया था। तो आज मौका मिला और मेरी तबीयत थोड़ी हेल्थ जो है वो ठीक हुई, तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो आप मेरी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, जहाँ पे मैं अपने रील्स आप पोस्ट करती हूँ, साथ अपनी फ़ोटोज़ भी पोस्ट करती रहती हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मीट श्रुति गुप्त, प्लीज़ सर्च करिएगा और प्लीज़ फॉलो करिएगा। और अगर वहाँ पे कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे मैसेज पे भी बात कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम आईडी है मीट MeetSHRUTIGUPT बस ओके। तो आपको आईडी मेंशन मिल जाएगी स्क्रीन पे भी, तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ शाम हो गई है और मंदिर की लाइट जलानी बाकी है, तो सबसे पहले मंदिर में लाइट जला लेते हैं एंड आपको अपना फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक जो मैंने हरियाली तीज के लिए स्पेशल लुक क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा हो। इस लुक का फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैं ग्लैम श्रुति पे अपलोड करूँगी जिस दिन ये आपको ब्लॉग वीडियो मिल रहा है ना, मतलब वो वीडियो पहले अपलोड हो जाएगा 12:30 बजे ग्लैम श्रुति पर, एंड ये जो वीडियो है वो 2:30 बजे अपलोड होगा, यानी ब्लॉग वीडियो बाद में आएगा, ट्यूटोरियल वीडियो पहले आएगा। मतलब मेकअप लुक नॉट ट्यूटोरियल, मेकअप लुक वीडियो हरियाली तीज स्पेशल मेकअप लुक वीडियो आपको ग्लैम श्रुति पे मिल जाएगा। तो आई होप ये जो मेरा लुक है आपको अच्छा लगा हो, एंड ये जो मैंने ब्लॉग शेयर किया है, मैंने बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाया है और फुल डे मैंने खाना खिलाने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था
ठीक है, मैंने अभी बर्तन नहीं धुले, अभी भी लगे हुए हैं। आप सोच सकती हो आप साड़ी पहनने के बाद बर्तन तो धुले जाएंगे नहीं, और साड़ी पहनी तो लगता है कि आप कुछ देर तो पहने रहे, क्योंकि मैं डेली साड़ी नहीं पहनती हूँ इतना मेकअप के, तो कुछ देर घंटे ही डेढ़ घंटे तो पहने रहूँ। तो मुझे आज बहुत टाइम लगने वाला है रात में, अब पूरे बर्तन करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे रात का खाना भी बनाना है, और ये 7:30 लगभग होने वाले हैं, अभी 7:30 होने वाले हैं, और मैं इसके बाद ही चेंज कर लूँगी, 10-15 मिनट बाद ही मैं फिर से चेंज कर लूँगी, उसी रूप में आ जाऊँगी जिस रूप में पहले थी। आपने देखा मैंने शुरुआत में पिंक गंदी लग रही थी, अब थोड़ा ठीक ठाक लग रही हूँ मैं। तो जैसे मैं रहती हूँ घर में, जैसा काम होता है, बस मैंने कुछ भी दिखावा नहीं किया है कि आज ब्लॉग बनाना है तो बढ़ा चढ़ा के दिखाऊँ, जो था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप ये ब्लॉग वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, शादी के बाद मैंने अपने फैमिली के साथ अपनी फैमिली शेयर नहीं की, यानी अपना शादी के बाद या 1 साल 2 महीने हो रहा है, लगभग 14 महीने हो रहा है हमारी शादी के, और अभी तक कुछ शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज शेयर करते हैं आप लोग के साथ, और ये ब्लॉग शेयर करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ ना, अब मैं आप लोगों के साथ अपनी शादी का एल्बम शेयर करूँ, क्यों, कौन कौन देखना चाहता है मेरी शादी का एल्बम, जो देखना चाहता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, एडिंग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और मैं जल्द से जल्द अपना शादी का एल्बम आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, मैंने कुछ रील्स मेकअप किया है तैयार, मैं तो रील्स तो बनती है, तो मैंने इंस्टाग्राम की रील्स भी बना ली है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मीट श्रुति गुप्त, तो आप जाकर प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे रील्स डालती रहती हूँ, फोटोज़ भी कभी कभार शेयर करती हूँ, थोड़ी बहुत वहाँ पे भी एक्टिव रहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर दीजिए, और कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करके भी वहाँ पूछ सकते हो। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग वीडियो आज का ख़त्म होता है, क्योंकि अब घर का काम करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो ब्लॉग में यहीं पर एडिट कर देती हूँ। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कौन सा पार्ट इस ब्लॉग का आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या आपको क्या अच्छा लगा ब्लॉग में वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं जानना चाहती हूँ, समझे, मैं तो आपसे कमेंट्स में बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, एक कमेंट ही जरिया है जहाँ पर आप अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर पाते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड पहली बार चैनल पर आ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी की जरूरत, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।